Hello everyone, welcome to Civil Service Kannada. Today we shall discuss the chapter number 12, Languages in India. So, in India, we study language, classify it, and our official language is the constitution mentioned in the national language, our country's national language, and our classical language is the constitution mentioned in our एनाक्टमेंट है से क्लासिकल लैंग्वेज को मानक आम कहे तो तार क्राइटेरिया कौन तार बेनिफिट कौन तापर आम देखा आनसीएंट स्क्रिप्ट जमी तुम ये देखिपार मुझ जस्ट तुम मानक देखी आनसीएंट स्क्रिप्ट आम कौन ना जो आम हिस्ट्री पढ़ी आम देखते इंडस स्क्रिप्ट जो अच्छी जोटा कि डेसीफर हो पार नहीं आम जापार ना रेकग्नइज कर पार ना आम इंडो स्क्रिप्ट कहे ब्राह्मी स्क्रिप्ट गुप्त स्क्रिप्ट खरष्टी स्क्रिप्ट जोटा कि राइट रू लेफ्ट को लिखा हुए तापरे भेतेलुतु स्क्रिप्ट यही सब स्क्रिप्ट स्प्रिट जो स्क्रिप्ट मानक आम डिस्कस करवा तो बहुत मानते बढ़िया चैप्टर तुमको बढ़िया ही लगे कौन पाई आम जो कम्युनिकेट करुचे आम मुझे तुम मान कम्युनिकेट कर मैक्सिमम टाइम ओडिया कौच इंग्लीश कौच तो ये कम्युनिकेशन को बेस करमर चैप्टर तो ये चैप्टर आम फास्ट आम डिस्कस करवा डिस्कस कलापर मुझ तुमको गोटे क्वेश्चन देवी तो क्वेश्चन दबा आगर मुझ तुमको जस्ट क्लारीफाई आसोसीएट हाँ कहे आम कौ स्टेज अच्छे आम तो फास्ट देखो आम 18 अक्टोबर जो थी आम कवर हो मेन मॉक टेस्ट थी आर्ट एंड कल्चर तो जदि आम कह फुल मार्क 60 मार्क थी 60 मार्क रु हाएस्ट मार्क अच्छी 35 सब लोएस्ट मार्क अच्छी 9 तेणु मोर सजेसन कौन रहा 60 मार्क रु 40% मार्क एटलिस्ट तुम रखा ट्राए कर 60 इंटू 40 के 24 मार्क कहार भी ना गोटे पिला ही 24 उपर रखी तेणु तुम ट्राए कर एटलिस्ट हाफ 50% तो टिके तुम प्राक्ट कले आस बट 24 एटलिस्ट ट्राए कर तो जो हिसाब से तुम मैंने पढ़ुच यू आर नॉट कंफर्टेबल मैंने मुझे जी तुम मन जो खाता देख ली खाता को मुझे आनालाइज कली मेन जिनस तुम प्रोब्लेम फेस कर स्पीड जो मुझे देख ये आम जब कैलकुलेट कर 300 मार्क एग्जाम हो 300 मार्क जब एग्जाम होते घंटा हो 300 रोच तीन घंटा रोचे तेणु गोटे घंटे तुमको कैसे मार्क आंसर लिखा पड़ो 100 मार्क आंसर लिखा पड़ो तो ये आम कौन कर 45 मिनिट तुमको दि जाऊँ कि तुम फुल मार्क के 60 मार्क तेणु 60 मिनिट्रे तुमको 100 मार्क लिखा पड़ो 100 मार्क आंसर लिखा पड़ो तो तुमको 45 मिनिट रे केते दरकार ना 75 रो तुम आंसर लिखा दरकार कि तथापि एथिरे मु रिलैक्सेशन देछि तेणु 60 मार्क जो रिलैक्सेशन देछि तथापि तुम लिखि पारुनो तेणु तुम मान मो हिसाब रे मोर जो जेतिकी अछि तुम सेतिकी सीरियसली प्राक्टिस करुनो बा सेतिकी गुरुत्व दउनो ए चैप्टर को ए जो टॉपिक को किबा आंसर राइटिंग को आइदर तुम आर्ट एंड कल्चर को नेग्लेक्ट करुछ नहले तुम तुम निजे निज को ही ठकुच जोटा कि मेन आंसर राइटिंग करुन आउ बिलीव मी फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आंसर राइटिंग जदि न कर तुम एग्जाम जो सैटिस्फेक्शन तुम पाखे आसबूनी कौन पे ना मेन आंसर राइटिंग जो कर तो बहुत जिनसर कन्सेप्चुआल अंडरस्टैंडिंग जी जो लैक करुव तुम भितर तुम जो आंसर राइटिंग करते बहुत ही डेवलपमेंट हो तेणु आंसर राइटिंग तुम जब करुन ताले बहुत बड़ भूल करुच ओके तो ये आम डिस्कस करवा चैप्टर नंबर 12 जोटा कि लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया तो लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया को एबे आम जीवा तो एबे आम सेक्शन सी रे अच्छे जोटा कि आम चैप्टर जो पढ़ुले सेक्शन बी आउ सेक्शन ए जो कवर कले बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर आम कवर करचे तो एबे आम सेक्शन सी को पढ़ा सेक्शन सी रे आमर बेसिकली कल्चर ऑफ इंडिया अच्छे तेणु तुम भावन जो आम खाली आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ा डांस म्यूजिक पढ़ले कौन पाई ना सेक्शन सी लिखाई पर्टिकुलरली कल्चर ऑफ इंडिया तेणु इंडियान कल्चर भितर ए पार्टा मानते कोर पार्ट कहले चले ओके तो फास्ट आम चैप्टर जा लैंग्वेजेस इन इंडिया तो लैंग्वेज ऑफ इंडिया को जी जा जो सिंबल रही देख ये सिंबल को भी तुम आनालाइज कले ये कौन पे सिंबल गुड़ा अच्छी ताकू भी तुम निजे आनालाइज करेकग्नइज कर पार तो फास्ट देख लैंग्वेजेस इन इंडिया तो आम जब बेसिकाली देखा आमर जो आम जो आंसर रईटिंग करुचे आम जो वे लिखुचे तो ताकू आम जाणीचे जे कौ वे लिखुचे कौन लिखुचे आम जापे कौ लांगुएज्रे कौ स्क्रिप्ट जापे तो
तो एथरे इंट्रोडक्शन रे से जिनटा से कहिछि द राइटिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द एंटायर इरा ऑफ हिस्ट्री हैव रिफ्लेक्टेड द कल्चर। तो आमर जो जे आमे जो जिनस गुडा लेखुचे आमे तो पाठ पढुचे छाड जो माने प्रिपेयर होचे ताकु छाडी कि आमे जो जिनस गुडा लेखुचे बा आमे जो जिनस गुडा पढुचे तो से गुडा कोन करचि आमर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करुचि ना नै। तणु ड्यूरिंग द एंटायर इरा ऑफ हिस्ट्री जो राइट जो राइटिंग अछि आमर ताकु आमे जदि एनालाइज करिवा को राइटिंग जोटा कि आम हिस्ट्री रू पढ़ी पढ़ी आसचे से ही राइटिंग को जो आम आनालाइज करवा से भितर आम कौन जिन जापर ना कल्चर विषय जापर से सोसाइटर से एज्र तर तार लाइफस्टाइल केमती थी आम जमी हरप्पान सिविलाइजेशन में पढ़ले अर्बान लाइफस्टाइल सेमती सोसाइटी एंड द क्वालिटी ऑफ कंटेम्पोररी सोसाइटी। सो इन दिस प्रोसेस ईच कल्चर इवॉल्व इट्स ओन लैंग्वेज एंड क्रिएटेड ए ह्यूज लिटरेरी बेस। This enormous base of literature provides a glimpse of the evolution of each its languages and culture through span of century. तो एमती नुह जे एकाथरे हमरो हमरो लैंग्वेज डेवलप हेछि बहुत माने वर्ष वर्ष धरि कि हमरो लैंग्वेज पूरा तारो जो अपभ्रंश हेही तारो धीरे धीरे इवोल्यूशन हेही तारो कोन हेछि गोटे गोटे रेकग्नाइज हेछि रेकग्नाइजेशन पाइछि जे एटा ए लैंग्वेज। तेणु लैंग्वेज माने कोन आमे बुझुचे ना ये देख लिखा है लैंग्वेज लैंग्वेज इन इट्स लिटरेरी मीनिंग इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच ए कलेक्शन ऑफ साउंड दैट ए ग्रुप ऑफ पीपल अंडरस्टैंड टू हैव सेम मीनिंग। तो लैंग्वेज कौन ना इट इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द स्पीच ए कलेक्शन ऑफ साउंड दैट ए ग्रुप ऑफ पीपल अंडरस्टैंड टू हैव ए सेम मीनिंग। तो मुझे जो जिनसा तुम मानक कहूँ मुझे गोटे स्पीच रे कह मैंने कलेक्शन ऑफ स्पीच रे कह जो स्पीच कहूँ से कौन हो साउंड को कन्वर्ट हो साउंड को कन्वर्ट है तुम्हें कौन ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल सब तुम बुझीपार कथा तेणु से जो प्रोसेस से जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को आम लैंग्वेज कहे। तो लैंग्वेज जदि आम कह लैंग्वेज गोटे ब्रडर आस्पेक्ट तेणु लैंग्वेज फैमिली क्या नहींक अच्छी ना इट इज इनक्लूड इंडिविजुआल लैंग्वेजेस रिलेटेड थ्रू ए कमन आनसेस्टर दैट एक्जिस्टेड बिफोर द रेकर्ड हिस्ट्री। तापर डायलेक्ट तो डायलेक्ट कौन इट इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन ए लोकल एरिया। तो सपोज देख मुझे कटक थी कटकिया भाषा कहबी मुझे संबलपुर थी संबलपुर भाषा कहबी बट संबलपुर किसी स्क्रिप्ट अच्छी स्क्रिप्ट ना तो मुझे केउझर अच्छी मुझे केउझर किसी अलग भाषा कह मानते भाषा सेम बट जो चेंजेस आसो से चेंजेस को आम कौन कहे डायलेक्ट कहे। तेणु इट इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन ए लोकल एरिया इट इज नॉट ऑर्दी दैट सेवरल डायलेक्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। देख बुझी पार्ल सेवेराल डायलेक्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर लैंग्वेजेस द लैंग्वेज स्पोकन अराउंड द वेरियस कॉर्नर ऑफ इंडिया बिलोंग टू सेवेराल लैंग्वेज फैमिली वेयर मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। तो आम इंडिया को जो देखा इंडिया भितर आम जो ग्रुप ऑफ लैंग्वेज अच्छी आम कौन कहे इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये जो इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज हैव बीन बोर्न आउट ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली However, there are some language group which are indigenous to Indian subcontinent. तो Indo-European माने कौन यूरोप रू आसी यूरोप रू आसिक मिसी तेणु आम जो Indo-European तो कहे इंडिया और तार यूरोपियन पार्ट किसी मिसी बट आम किसी लांगुएज अच्छी जोटा कि आम खाली इंडिजेनियस मानते जोटा कि खाली इंडिया हिं अच्छी इंडिया रू हिं डिराइव तो आम कहे इंडिजेनियस लांगुएज। ओके तो तुम ये खातार लिख तुम इंट्रोडक्शन पार्ट देख ल भलसे बुझीपाल तापर एवं आम क्लासीफाई करवा सब इम्पोर्टाट लांगुएज को आम जो क्लासीफाई करवा इंडियन लांगुएज को क्लासीफाई करवा तेणु इंडियन लांगुएज को जो क्लासीफाई करवा केत पार्ट्रे डिड करवा आम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ये 5 नुह ता भी आउ किसी अच्छी जोटा कि माइनर लांगुएज आम कहीपर। तो फास्ट मेजर लांगुएज है इंडो आर्यन ग्रुप तापर द्राविडियन ग्रुप तापर सिनो तिबेतियन ग्रुप द्राविडियन ग्रुप माने आम पर्टिकुलरली साउथ इंडिया को देखुचे इंडो आर्यन ग्रुप माने आम पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया को देखुचे सिनो तिब्बतियन माने एक पार्टा। ओके तापरे निग्रोइड ग्रुप तो निग्रोइड ग्रुप आम देखा तापरे ऑस्ट्रिक ग्रुप ये जो मिक्स है अच्छे निग्रोइड ग्रुप भी आम देखा ऑस्ट्रिक ग्रुप भी देखा तापरे आउ किसी अदर लांगुएजेस भी अच्छे अदर टाइप अफ लांगुएजेस क्लासीफाई होती। तो इंडो आर्यन ग्रुप अफ लांगुएज जब आम देखा 70% आम कौन इंडो आर्यन ग्रुप अफ लांगुएज तेणु एटा गोटे कहार ना इंडो यूरोपियन फैमिली कहार कौटा इंडो यूरोपियन फैमिली इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज इज ए ब्रांच ऑफ द लार्जर इंडो यूरोपियन फैमिली व्हिच केम टू इंडिया विथ द एडवेंट ऑफ आर्यन। तो आमर जो आर्यन मैंने आसिले तो सही टाइम रे आमर कौन है ना
वैदिक एज रे जो सही टाइम रे जो आर्यन माने आसीथिले सेते बेले हमरो एटा एडवांटेज छि बा ओरिजिन हे छि। इट इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ इंडिया एंड अराउंड 74% ऑफ द इंडियन स्पीक लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप। दिस लैंग्वेज ग्रुप इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री सब ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड फॉर देयर ओरिजिन। तो ये कौन लिखे ना ये 74% लिखे। ओके 74% लिख लो। तो 74% लिख सारापर तुम कौन कर इंडो आर्यन ग्रुप को तीन टा पार्ट रे डिवाइड कर। तो कौन कौन ना फास्ट देख लिख ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप तापरे सेकेंड कौन लिख मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप तापरे थर्ड कौन लिख मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप बुझिपाल तीन टा पार्ट रे डिवाइड होती इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज तेणु आम तीन टा पार्ट रे लिखले। तो ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप जदि आम देखा 1500 BC रे आमर डेवलपमेंट होती 1500 BC नॉट AD। ओके एंड संस्कृत वाज बोर्न आउट ऑफ दिस ग्रुप ए ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप रु संस्कृत एमर्ज होती। द एंशिएंट फॉर्म ऑफ संस्कृत इज व्हाट इज फाउंड इन वेद वेद रे जो आम संस्कृत पाउचे आम एंशिएंट फॉर्म ऑफ संस्कृत कहचे। इवेन उपनिषद पुराण धर्मसूत्र वर ऑल राइटन इन संस्कृत। इट कैन बी सेड दैट संस्कृत इज द मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेज। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्सिटी एंड रिचनेस ऑफ आवर कल्चर हैज बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज ड्यूरिंग दोज टाइम। सो इट इज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री एंड इज वन ऑफ द 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तापरे देखो मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप आउ टिके पछकु पळेबो तनो आमे 1500 पढ़थिले तो 600 एबे पढ़िबा। तो 600 जेतेबेले आमे पढ़ुचे ताकु आमे मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप कहुचे 600 बीसी टू 1000 AD। ओके तो सेतेबेले आमे कोन देखथिले ना सेठी संस्कृत डेवलपमेंट हेतला संस्कृत लैंग्वेज बट एथिरे प्राकृत लैंग्वेज डेवलपमेंट हे तनो ए जो डेवलपमेंट पे चेंजेस आसीछि ताकु तमे लिखिबो। एठी तमे संस्कृत लिखि परबे एठी डेडलाइन देबो 1500 तापरे एटा आमर कौन प्राकृत लांगुएज ये तुम क्लासीफाए करके लिखे। आम देखा प्राकृत विषय जी आम देखा प्राकृत इज अंडरस्टूड आज नेचुराल ओरिजिनल कजुआल एटसेट्रा एंड ह्विच वाज यूज आज ए कमन टर्म विदाउट एनी स्ट्रिक्ट रूल ऑफ यूसेज। सो प्राकृत इज ए ब्रॉडर टर्म अंडर ह्विच ऑल द मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस आर जनरली क्लब्ड अंडर टुगेदर। सो मेनी लैंग्वेजेस सच एज अर्धमगधी पाली which are used by the Theraveda Buddhist and Apabhramsha find their origin from Prakrit. So particularly ei part ku mone rakhibo Ardhamagadhi Pali au Apabhramsha e mane kaadu origin heichanti na kaadu Prakrit ru origin heichanti tar ei part re tumi Prakrit pore eti lekhi debo Pali Ardhamagadhi ei part uda lekhibo ta pare प्राकृत विषय आउ किसी जिनस देख प्राक्टिस वाज एसोसिएटेड विथ कॉमन पीपल ऑन द अदर हैंड तुम क्वेश्चन मेन क्वेश्चन भी पढ़ी पारे प्राकृत लांगुएज विषय सॉर्ट नोट लिख तेणु यही जो डाटा वही सब आईडिया तुम पाखे थी जी तुम लिखिपार तेणु यहाँ आम कौन बुझे ना कमन पीपुल मान सहित यहाँ आसोसीएटेड ये लांगुएज संस्कृत आम जब कह हायर कास्ट मान सहित आसोसीएट था। सो संस्कृत वाज अर्थोडक्स जोटा कि आम पढ़ी आगु एंड हार्ड फिक्सड रूल एंड वाज यूज बै लैंड पीपुल और द इलाइट स्पेशली ब्राह्मीन। The writing of the text in Prakrit was relatively a late development as compared to Sanskrit. Prakrit pore asila Sanskrit agre asila to Prakrit and Ardha Magadhi language were used in the Jain agama. Jain ro gote mane holy scripture achi ba literature achi taku ame agama kouche to agama tumi nije search karibo je agama what is agama tapre tumi nije jani paribo to eti gote tumi gote kon karcho jete bele ju note lekhucho eti tumi ju margin doucho eti lekhibo agama तापर जेते बेले तुम क्लास सर क्लास सरला या सर्च कर। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट पीरियड ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम वन लैंग्वेज और डायलेक्ट टू अनदर वाज स्लो एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल पीरियड। तापर आम देखा प्राकृत इनक्लूड को कौ लैंग्वेज आम देखे ना पाली मगधी प्रकृत और अर्धमगधी तापर सुरसेनी महाराष्ट्री प्राकृत तापर एलु पसीची। तो ये भितर को मुझे डिटेल जाऊनी तुमको जो क्वेश्चन आसो तुम या पढ़ जापर तो पाली विषय में आम देखा ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखाऊ द त्रिपिटक ऑफ बुद्धिज्म वर अल्सो रिटेन इन पाली। इट सर्व एज द लिंगुआ फ्रांका ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म। इट इज बिलीव दैट बुद्ध हिमसेल्फ डिड नॉट स्पीक इन पाली बट गेव हिज प्रीचिंग इन अर्ध मगधी लैंग्वेज।
तो अर्ध मगधी लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विथ बुद्ध एंड महावीर ओके देन सुरसेनी सुरसेनी इज द जैन मक र कौन आम ड्रामा आम लिखिपर ड्रामा जो लिखती सुर जो ड्रामाटिक प्राकृत को आम कौन कह सुरसेनी तेणु ड्रामार जो लांगुएज आम सुरसेनी कहीपर तापर देख दिगंबर जैन जो मानक जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन ना सत्खंडगम इट इज रिटेन इन सुरसेनी देन देख महाराष्ट्री प्राकृत तो महाराष्ट्री प्राकृत गोटे अच्छी महाराष्ट्री प्राकृत है नाइन्थ सेंचुरी एडी रू एटा स्पोकन हो आउ एटा क्या मानने मराठी कोंकणी एम ये ओरिजिनेट माने एमानो ए जो महाराष्ट्री प्राकृत टू माने ओरिजिन हिचंती सो इट इज इट वाज यूज्ड वाइडली इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया इट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहन डायनेस्टी सेवरल ड्रामाज वर रिटेन इन लाइक गहकस बाय किंग हल गोदव स्लेइंग ऑफ द किंग ऑफ गौड़ बाय भक्पति तापर एलु एनशियंट फॉर्म ऑफ अदर सिंहल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका एलु ओके एटा हला सिंहल लैंग्वेज तापरे फिसाची इट इज ऑल्सो कॉल्ड भूत भाषा दैट इज डेड लैंग्वेज गुणध्यस बृहत कथा एंड एंशिएंट एपिक रिटेन इन पिसाची ओके तो पिसाची सब पढ़ाई ट्राए कर देख अपभ्रंश अपभ्रंश मान कौन कहे ना करप्ट और नॉन ग्रामाटिकल आम जो जो ग्रामार आम जो जिनस को कहे आम कौन टे अलग टाइप रोचे तेनालीराम कौन हो अपभ्रंश हो जाए आम जो टाइप रहा कथा से टाइप रहीपुर ना बा आमर हेबिचुएट हो जाइए तो बारिपदा सपोज आम जा केने एमती कलु एमती कहे तुमको कौन पर एमती कलु न कहीकि केने एमती कलु तो से जो भाषाटा अपभ्रंश हो जाए अपभ्रंश कहे बा करप्ट और नॉन ग्रामाटिकल सो टू इट बेसिकली आमर के स्टार्ट है ना सिक्स टू सेवेन सेंचुरी एडी अपभ्रंश इज एल्सो एन अम्ब्रेला टर्म व्हिच मीन डायलेक्ट अदर दैन संस्कृत और इवेन प्राकृत इट रिप्रेजेंट ए ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल टू मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस सो अपभ्रंश ग्रेजुअली बिकेम ए लिटरेरी लैंग्वेज एंड इट वाज यूज्ड टू राइट सेवरल टेक्स्ट लीजेंड एटसेट्रा अपभ्रंश डेवलप्ड इट्स ओन आइडेंटिटी बाय द सेवेंथ सेंचुरी एडी दिस कैन बी हाइलाइटेड बाय द फैक्ट दैट भमह ए रिनाउंड पोएट ऑफ काश्मीरी फ्रॉम द सिक्स टू सेवेंथ सेंचुरी एडी डिवाइडेड पोएट्री इंटू संस्कृत प्राकृत एंड अपभ्रंश एंड दंडिन दंडिन जो कहते दंडिन कौन कहले ना अपभ्रंश इज द डायलेक्ट ऑफ द कॉमन फॉक जो मैंने कॉमन कॉमन मास मानक जो कौन अच्छी कॉमन मास मानक जो गोटे कौन इट इज द डायलेक्ट मैंने अलग अलग वे जो कह गोटे भाषा बट अलग अलग वे आम कहे पूरी गला बेले अलग भाषा है ना ब्रह्मपुर गला बेले अलग से जो डायलेक्ट कथा मुझे सो मेनी जैन मक एंड सोलार रोट एक्सटेनसीवली इन अपभ्रंश एंड सस्टेन इट सो मेजर टेक्स्ट राइटर आर पुष्पंड महापुराण दिगंबर जैन टेक्स्ट एटा तापर धनपाल भविष्य भविष्य कह तापर मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप तो मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप रे आम देखा हिंदी आसामी बेंगली गुजराती मराठी पंजाबी राजस्थानी सिंधी ओडिया उर्दू एटसेट्रा तो ओडिया भी आमर कौन मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप अच्छी द लैंग्वेज अंडर दिस ग्रुप इंटू डेवलप्ड ग्रेजुअली आफ्टर 1000 एडी आमर ये जो तुम टेबुल कर 500 रू तुम चेक कर ये मन पड़नी मोर तो 500 600 रू 1000 एडी तो 1000 एडी पर जो स्टार्ट है आमर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज तापर आम देखा द्राविडियन ग्रुप द्राविडियन ग्रुप कंप्राइज मेनली ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कही तुमको अराउंड 25% से आम देखते कैसे 74% इंडो आर्यन लैंग्वेज 25% आम द्राविडियन इंडियन पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर दिस ग्रुप प्रोटो द्राविडियन गेव राइज टू 21 द्राविडियन लैंग्वेज दे कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू थ्री ग्रुप नॉर्दर्न ग्रुप सेंट्रल ग्रुप एंड सदर्न ग्रुप तो द्राविडियन ग्रुप को आम जो देखा नॉर्दर्न ग्रुप किए किए अच्छा ब्राहुई माल्टो कुकुर तो ये जो आम देखा ये आम देखे द्राविडियन ग्रुप ये आम तीन टा पार्ट आम करवा सेमती ये तो तीन टा पार्ट्रे से जिनस गुड़ा लिखा नॉर्दर्न ग्रुप ये आम नॉर्दर्न ग्रुप तापर सेंट्रल ग्रुप आउ सेंट्रल ग्रुप आउ सदर्न ग्रुप ये सेंट्रल ग्रुप सदर्न ग्रुप तो ये जहाँ डाटा अच्छी ताकू भी आम लिखा तो एमती तुम जो जिनस गुड़ा करते तुम माइंड में पशो खाली पढ़ी तो हेनी कि खाली मो लेक्चर शुणिले हेनी तुम निजे जो माइंड अप्लाई करिवो सेते बेले जाई कि सब करि परिवो तापर देखो
ब्राह्मी इज स्पोकन इन बेलुचिस्तान। नदन ग्रुप को आम जो देखा ब्राह्मी कौटी कहुची मान कहते सब बेलुचिस्तान रे। माल्टो इन ट्राइबल एरिया ऑफ बंगाल बंगाल रे। आउ कुरुक हला ओडिशा एटा कोन माल्टो हला ओडिशा रे कहते बंगाल आ ओडिशा रे। बट कुरुक बंगाल ओडिशा बिहार मध्य प्रदेश तो ए पार्ट रे तमे ताकु सजे के लिखिबो। तो जे सजे पारुची जे ए वे रे ऑर्गेनाइज वे रे लिखि पारुची समस्ते तमे ट्राई करियो पोस्ट करिया पे ग्रुप रे व्हाट्सएप ग्रुप रे किवा टेलीग्राम ग्रुप रे मु ताकु रिकग्नाइज करबि जे हां ए ठीक ठाक करा हिचि बा ए वे रे करा जाय छि। तापरे सेंट्रल ग्रुप इट कंसिस्ट ऑफ 11 लैंग्वेजेस गोंडी कोन कुई मंडा पोर्जी ओडवा कोलामी पेंगो नायक नायकी कुभी एंड तेलुगु। तनु तेलुगु इज ए हम जानि छे तेलुगु इज ए कोन को लैंग्वेज द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। बट ए जो अछि गोंडी कोन कुई मंडा पोर्जी गोडवा कोलामी पेंगो एउडा हला कोन द्रविडियन लैंग्वेज। तनु ओनली तेलुगु बिकेम ए सिविलाइज्ड लैंग्वेज एंड इज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना व्हेयरएज अदर आर ट्राइबल लैंग्वेजेस। आउ सब जते सब आमे कहूचे लैंग्वेज गुडा कोन ट्राइबल लैंग्वेज। तापर सदर्न ग्रुप आमे देखिबा सदर्न ग्रुप हला कन्नडा तमिल मलयालम। आ तापर तुलु लैंग्वेज आमर कंट्रोवर्सी रे थिला तुलु लैंग्वेज को आमर डिमांड आसुची जे आमर जो क्लासिकल लैंग्वेज करा जाउ। तो क्लासिकल लैंग्वेज आमे परे देखिबा टिके परे। तो क्लासिकल लैंग्वेज जदी हेबो तुलु लैंग्वेज तले तार कोन बेनिफिट रहइबो ताको आमे डिस्कस करिबा। तापर कोडागु तोडा कोटा सो तमिल इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल दिस। ओके तापर आम देखा एमंग 21 लांगुएज अफ द्राविडियन ग्रुप द फोर मेजर लांगुएजेस आर तेलुगु न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट अफ अल् द्राविडियन लांगुएज। तापर तमिल ओल्डेस्ट एंड प्यूरेस्ट फॉर्म अफ लांगुएज। तापर कन्नड तापर मलयालम स्मलेस्ट एंड द यंगेस्ट अफ द द्राविडियन ग्रुप। तापर आम देखा सिनो तिब्बतियन ग्रुप जोटा कि आम चाइना जो तिब्बत जो बॉर्डर अच्छे से पाखापाखी। तो आम देखा लांगुएज अंडर दिस ग्रुप बिलंग टू मंगोलॉइड फैमिली एंड स्ट्रेच टू अल ओवर हिमालय नॉर्दर्न बिहार नॉर्दर्न बंगाल आसाम एंड अप टू द नॉर्थ फ्रंटियर ऑफ द आवर नेशन। दिस लैंग्वेज आर कंसिडर्ड टू बी द ओल्डर दैन द इंडो आर्यन लैंग्वेज एंड आर रेफर टू द किराटोस इन द ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर। सो लैंग्वेज बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर स्पोकन बाय 0.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तेणु मात्र 0.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन टोल्ड कौन कम्युनिकेट विथ सिनो तिब्बतियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। तो या तुम डिवाइड कर दुटा कौन कौन ना तिब्बत बर्मन आउ सियामीज चाइनीज। तेणु ये लिखे एट दुटा पार्ट लिखे। आम देखा तिब्बत बर्मन तीन टा पार्ट तेणु तिब्बतियन हिमालयन नॉर्थ आसाम तिब्बतियन हिमालयन नॉर्थ आसाम। तापर कुकी गारो बड़ो ये सब तीर्थ तिब्बत बर्धन रो। तो या तुम निजे आउ टे क्लारीफाई हो बढ़ियापी ट्राए कर। सियामी सियामी है चाइनीज। तो अहम इज वन ऑफ द लैंग्वेज व्हिच बिलोंग टू दिस ग्रुप। अहम लैंग्वेज जो आम कहे कौन सियामीज बा चाइनीज सियामीज चाइनीज जो ग्रुप रो। हाउएवर दिस लैंग्वेज हाज ऑलरेडी बीन एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तेणु सियामीज चाइनीज जो अच्छी आम जो लैंग्वेज अच्छी से एक्सटेंड हो सारा एक्सटेंड मानते पूरा मानते आई कहे चले। तो ऑस्ट्रिक जो अच्छी नेक्स्ट पार्ट जो ऑस्ट्रिक आम देखते ऑस्ट्रिक ग्रुप। तो ऑस्ट्रिक ग्रुप को आम देखा ऑस्ट्रिक आम देखा जो ऑस्ट्रिक कहीं क्या ना व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय लैंग्वेज ऑफ मुंडा और कॉल ग्रुप एंड आर स्पोकन इन सेंट्रल ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया। सम ऑफ देम आर आल्सो बिलोंग टू मोखेमहेर ग्रुप एंड भायस खासी एंड निकोबरीज। ऑस्ट्रिक आम देख निशदास इन एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर आर्यन मैंने जो रेफर करते सांताली इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज अंडर दिस ग्रुप व्हिच आर स्पोकन बाय सांताल ट्राइब ऑफ झारखंड बिहार बंगाल ओडिशा भी अच्छा सांताल। Which the expectation of with the expectation of Khasi and Santali, all Austroasiatic language in Indian territory are endangered. तापरे देखो others. This group includes several Dravidian tribal languages like Gondi, Oraon, Praji, etc., which are very distinct and cannot be classified in the group mentioned above. So difference between Indo-Aryan group and Dravidian group of language. The root word in the two language families are different. There is a different grammatical structure in two group. Grammatical structure of Dravidian family is agglutinative, that is the combinations in which root words are united result in little or no change of the form or loss of the word. The grammatical structure of Indo-Aryan group is inflected, that is a word's ending or its spelling changes according to its grammatical function in a sentence. The Indo-Aryan group or Dravidian group bhitare jo achi amaro taku tame ethire differentiate bhi kari paribo.
ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନୂଆ ସେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ, ସବୁଠୁ ନୂଆ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦା ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ 343 କ୍ଲଜ୍ 1 କ'ଣ କହୁଛି ନା, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶାଲ୍ ବି ଦା ହିନ୍ଦୀ ଇନ୍ ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅନ୍ଲେସ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଫର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଟୁ କିଜ୍ 15 ଇୟର୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଫେକ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ 26 ଜାନୁଆରୀ 1965। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍ ଓଭର୍ ଏ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ 15 ଇୟର୍ ସିନ୍ସ ଦ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହିନ୍ଦୀ ୱିଲ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ଇଂଲିଶ ଆଜ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଡିସାଇଡ୍ ଇଫ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ସୋ ଦିସ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଲେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ରସ୍ ଦ ନେସନ୍ ବାଇ ନନ୍ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପିକିଂ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ହିନ୍ଦୀ। ଦ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ଟ 1963। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀକୁ ଆମେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ, ନନ୍ ହିନ୍ଦୀ ପିପୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଇଏ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେମିତି ହେବ, ଆମେ ତ ଇଂଲିଶ କହୁନୁ ନା ହିନ୍ଦୀ କହୁନୁ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ଟ 1963 ଆସିଲା। ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ହିନ୍ଦୀ ଇନ୍ ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଅନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ୱିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସବ୍ସିଡିଆରି ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଅନ୍। ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ। ଇଭେନ୍ ଆମର ଦେଖିବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ସେମାନେ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ବେଟର କହିପାରନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଠୁ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ସବ୍ସିଡିଆରି ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଅନ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଆକ୍ଟ ଦ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1963। ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଏଲ୍ସୋ ମେଡ୍ ଏ ପ୍ରୋଭିଜନ୍, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କଲା, ଫର୍ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଚୁଜ୍ ଦେୟାର ଅନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ନିଜେ ବାଛିବା। ଫର୍ ଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ 8th ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହୁଇଚ୍ ମେ ବି ୟୁଜ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ପର୍ପଜ୍। ଆଠଟା ଯେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ବି ଆମେ ବାଛିପାରିବା। ସୋ ଇନିସିଆଲି ଦ ଫଲୋଇଂ 14 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍। ତ 14 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କିଏ କିଏ, ଆସାମୀ, ହିନ୍ଦୀ, ମାଲାୟାଲାମ, ପଞ୍ଜାବୀ, ତେଲୁଗୁ, ବଙ୍ଗାଳୀ, କାନାଡ଼ା, ମରାଠୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଗୁଜୁରାଟି, କାଶ୍ମୀରୀ, ଓଡ଼ିଆ, ତାମିଲ। ପୁରା ମନେ ନ ରଖିଲେ ବି ୟାକୁ ଜଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥାଅ। ତମର ରିଜିଅନ୍ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ତ ରହିଲା। ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ଆମେ ବେଶୀ କହୁଛେ, ହିନ୍ଦୀ ତ ହିନ୍ଦୀ ବି ରହିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ, ଆମର ଥାର୍ଡ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ, ମେଜର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଙ୍ଗଲୀ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼, ଦେଖ ମାଲାୟାଲାମ, ଆଉ ମରାଠୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଗୁଜୁରାଟି। ଦେଖ ଉର୍ଦ୍ଦୁଟା ତୁମକୁ ଲାଗିବନି ଯେ ହଁ ଅଛି ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବି ଅଛି, କାଶ୍ମୀରୀ, ଗୁଜୁରାଟି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଅଛି ଆମର ପାହାଡ଼ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଟ୍ ସିନ୍ଧି ସିନ୍ଧି ଆଡ଼େଡ଼ ହେଇଗଲା କେବେ, 15th ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ମାନେ ଆଗରୁ 14 ଥିଲା, ଏବେ 15th ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେବେ ସିନ୍ଧି ହେଇଗଲା କେବେ, 21st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1967। ତାପରେ ତିନିଟା ଆମର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ତିନିଟା 71st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1992ରେ କଙ୍କନି, ମଣିପୁରୀ, ନେପାଳୀ ଏଗୁଡ଼ା ଆଡ଼ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କଙ୍କନି, ମଣିପୁରୀ, ନେପାଳୀ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ 92nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2003 ଆଡ଼େଡ୍ 4 ମୋର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଟୁ 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବୋଡୋ, ମୈଥିଲି, ଡଗ୍ରି ଏଣ୍ଡ ସାନ୍ତାଲି। ତ ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେର୍ ଆର୍ 15, 3, 18, 3, 22, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେର୍ ଆର୍ 22 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତ ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବି ତମକୁ ଯେ ହ୍ୱାଟ ତମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ, କିଏ କହିପାରିବ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ତମକୁ ଯଦି ପଚାରିବି ତାହେଲେ କହିବ କ'ଣ, ହିନ୍ଦୀ, ନହେଲେ ଇଂଲିଶ, ଏଇସବୁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ, ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ହିନ୍ଦୀ ଇଜ୍ ଆୱାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ହିନ୍ଦୀ ଇଜ୍ ଆୱାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଓକେ, ସୋ ହିନ୍ଦୀ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ନାଇଦର୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନର୍ ଏନି ଆକ୍ଟ ଡିଫାଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ସ୍ପେସିଫାଏ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଫଙ୍କସନ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆର୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ ଆନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଫ୍ରି କରି, ମାନେ ସେମାନେ ଫ୍ରି ଟୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ ଏନି ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟୁ ବି ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ନିଡ୍ ନଟ୍ ବି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ନିଡ୍ ନଟ୍ ବି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ଇନ୍ 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍, ଯଦି 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ବାହାରେ ବି ଅଛି ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଭେରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ୍ ଆନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍। ତ୍ରିପୁରା, କୁକବର, ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ସିନୋ ତିବେତିଆନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ, ପୁଡୁଚେରୀରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ମିଜୋରାମରେ ମିଜୋ, ଏମାନେ 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ର। ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 22nd ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଆଜ୍ ପର୍ ଦ 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍।
देन अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड आर द ओनली स्टेट हुज हैज द इंग्लिश एज देयर ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंग्लिश विषय में कौन जानले ना हमर 22nd शेड्यूल रे तार प्लेस नाही बट अरुणाचल प्रदेश नागालैंड इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब रे कंसीडर करी चंती। एबे हमें देखिबा क्लासिकल लैंग्वेज, तो क्लासिकल लैंग्वेज को हमें काहा को कहू क्लासिकल लैंग्वेज गोटे कौन आमको जो प्रीमियर टाइप लगुच मैंने गोटे किसी एलिजिबिलिटी थी दरकार ये लांगुएज को स्टाटस कौन पे ना क्लासिकल लांगुएज इट सेल्फ इज ए स्टाटस। तो 2004 कौन कला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कला जे किसी लांगुएज जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे ताको क्लासिकल लांगुएज स्टाटस दिजाव। तो जदि आम क्राइटेरिया देखा फास्ट किसी क्राइटेरिया आम एवं डिस्कस करवा कौ क्राइटेरिया क्लासिकल इंडियन लांगुएज डिस्कस मानते एलिजिबल हो। तो फास्ट गोटे हाई एंटिक्विटी मानते फास्ट आम जो फास्ट कंडीशन कौन ना एटलिस्ट से लांगुएजा तार टेक्स्ट 1500 कि 2000 ईयर पुराणा हो। सेकेंड ए बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर व्हिच इज कंसीडर ए वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर। तो एंशिएंट लिटरेचर बा टेक्स्ट जो अच्छी सपोज गोटे आम गोटे नुआ कम्युनिटी चाहूँ आम लिटरेचरटा को आम कौन कह क्लासिकल लांगुएज स्टाटस देव किंतु क्लासिकल लैंग्वेज स्टाटस देवाई से लिटरेचरटा कौन ही दरकार से टेक्सटा ना 1500 2000 भितर पुराणा 1500 वर्ष पुराणा होता दरकार ये लिखाई उपर 1500 to 2000 ईयर ओल्ड होता दरकार। तापर से जो मानते जो अच्छी लिटरेचरटा से जो टेक्सटा अच्छी ग्रंथटा जो अच्छी ताको समस्ते कहते हैं इट इज ए वैल्युएबल हेरिटेज। ओके थर्ड कंडीशन कौन ना लिटरेरी टैज ट्राडिशन बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोइड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। तो जो ट्राडिशन थी कौन लिटरेरी ट्राडिशन से पूरा ओरिजिनल थी जोटा कि बाहर का उधार बाहर बोरो करा ही नथिबो। तापरे द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न देयर मे ऑल्सो बी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट लेटर फॉर्म ऑफ इट्स ऑफशूट। सो आम जो देखा टोटाल कतटा लांगुएज अच्छी क्लासिकाल 1 2 3 4 5 6। तो 2004 आम तमिल तेलुगु 2008 मलयालम 2013 संस्कृत 2005 कन्नड़ 2008 ओडिया 2014। द गवर्नमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर नॉट इंक्लूडिंग पाली एज ए क्लासिकल लांगुएज एज एक्सपर्ट आर्ग्यू दैट इट फिट्स ऑल ऑफ द अबव मेंशन क्राइटेरिया। तो टुलू भी टुलू लांगुएज को लेकिन भी से मझे बाहर करेन्ट अफेयर तुम्हें पढ़ी थो। तो क्लासिकल लांगुएज पचरे कहीं जाइंट समस्ते ना कि तार किसी बेनिफिट अच्छे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तार जो बेनिफिट अच्छी से कौन प्रोवाइड कर दुटा आम मेजर इंटरनेशनल अवार्ड फॉर स्कॉलर ऑफ द एमिनियंस इन क्लासिकल इंडियन लांगुएज टू बी अवार्डेड आनुअली। तो साहित्य सम्मान जो कहती आमर ओडिया सम्मान जो अच्छी सेमती जो नुआ लांगुएज जो आड हे क्लासिकल लांगुएज हिसाब से दुटा इंटरनेशनल अवार्ड मिले। तापर सेंटर ऑफ एक्सलेन्स फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लांगुएज से जो क्लासिकल लांगुएज गोटे सेंटर हे। तापर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन रिक्वेस्ट टू क्रिएट एंड टू स्टार्ट विथ एटलिस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ए सर्टन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स इन क्लासिकल लांगुएज फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनियंस। ओके नेशनल ट्रांसलेशन मिशन गोटे न्यूज रे थिला जो 2019 र तो नेशनल ट्रांसफर ट्रांसलेशन मिशन कहार ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम जोटा कि हायर एजुकेशन मानक फैसिलिटेट करेगा टू मेकिंग नॉलेज टेक्स एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट एंड एकेडमीज इन इंडियन लैंग्वेज। तो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन एम टू डिसिमिनेट नॉलेज इन ऑल 22 लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ट्रांसलेशन। ए पार्ट भी तुम पढ़ो तो यहाँ जेहतु बॉक्स रे अछि। तापर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स तो आम देखो ये आम 0 to 1 भितर तार स्कोर अच्छी किए बाहर ताकू भी देखिबो किए पब्लीश करुच्छी। ओके लिंगुआ फ्रांका इज एल्सो नोन आज ब्रिज लांगुएज कमन लांगुएज जो कहते आमर ओडिया है लिंगुआ फ्रांका आम ओडिशा रे तेणु अनुसार जब पढ़ डिटेल बुझीपर। तापर लास्ट पार्ट आम देखिबो एंशिएंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया एंशिएंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया जो देखा स्क्रिप्ट आम बुझा दरकार व्हाट इज ए स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट इज नोन एज द राइटिंग सिस्टम और ऑर्थोग्राफी आम जो लिखुचे तार सिस्टम को आम स्क्रिप्ट कहचे आम एमती लिखुचे ना एमती लिखुचे ना एमती लिखिकी पुणी आउ थे ये आसिक लिखुचे ना पुणी लिखिकी ये पुणी एमती आउ थे एठ स्टार्ट करुचे। तो से जो राइटिंग सिस्टम और ऑर्थोग्राफी को आम कौन कहे स्क्रिप्ट कहचे। तो इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज बाय मेकिंग स्पेसिफिक मार्क ऑन द मीडियम पेपर रॉक बिर्च बार्क ये सब मीडियम रिप्रेजेंट कर।
टू आनसेंट स्क्रिप्ट इन इंडिया कंप्राइज ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो दुईटा आनसेंट स्क्रिप्ट अच्छी स्क्रिप्ट अच्छी ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्ठी स्क्रिप्ट अच्छी। खरोष्ठी स्क्रिप्ट राइट रू लेफ्ट को जो लिखवाटा मुझे कहूँ ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट जोटा कि आम लिखुचे जोटा। तो मोस्ट ऑफ द आनसेंट एंड मॉडर्न स्क्रिप्ट इन इंडिया डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट बी इट देवनागरी तमिल तेलुगु कन्नाडा ओडिया आसामी बेंगली एटसेट्रा हेन्स इट कैन बी वेरी मच बी मेंटेन दैट ब्राह्मी इज द मदर ऑफ स्क्रिप्ट। तेणु ब्राह्मी इज द मदर ऑफ स्क्रिप्ट इन इंडिया। हाउएवर उर्दू इज राइटेड इन द स्क्रिप्ट डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक एंड ए फ्यू माइनर लैंग्वेज सच एज संताली यूज इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट। संताली लैंग्वेज रो स्क्रिप्ट भी अलग तेणु संताली लैंग्वेज को भी चली क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया जाए बोलिकी। तापरे देखो इंडो स्क्रिप्ट आमर एक्सट्रीमली शॉर्ट जो कहे ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट विषय शॉर्ट नोट भी आसपे तेणु ब्राह्मी स्क्रिप्ट विषय देखिबो ताको किए डिस्कवर करते ना 1837 रे आमर जेम्स प्रिंसिप करते डिस्कवर करते। तो या बेस्ट इनस्क्रिप्शन जब आम देखा रॉक कट एडिक्ट ऑफ अशोक आमको देखापे मिलिबो। तो ब्राह्मी इज द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम यूज इन इंडियन सब कंटिनेंट एंड सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग द फाइनल सेंचुरीज फाइनल सेंचुरी बीसी एंड इयरली सेंचुरीज एडी। तो अशोक पिलर देखो एटा ब्राह्मी स्क्रिप्ट अच्छी द नॉर्दर्न ब्राह्मी सदर्न ब्राह्मी या तुम देखो बहुत इंपोर्टेंट नुह। तापर गुप्त स्क्रिप्ट ओके सांस्क्रिट बेसिकली आमर खरोष्ठी स्क्रिप्ट जोटा देख एटा है खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तापर राइट टू लेफ्ट मुझे कहती सब कौन जोटा भेतलुतु स्क्रिप्ट साउथ इंडिया पर्टिकुलरली तमिल स्क्रिप्ट को आम कह भेलु भेतलातु स्क्रिप्ट। तापर कदम स्क्रिप्ट कन्नड़े लिखा होती फोर्थ रू सिक्स सेंचुरी कदम डायनेस्टी करते यहाँ। तापर ग्रंथ स्क्रिप्ट ग्रंथ स्क्रिप्ट जब देखा पर्टिकुलरली सिक्स टू ट्वेंटी सेंचुरी एडी तमिल स्पीकर इन साउथ इंडिया रू स्टार्ट होता ओके। तापर शारदा स्क्रिप्ट है एट सेंचुरी सांस्क्रिट और काश्मीर या लिखा जाए। तापर गुरुमुखी स्क्रिप्ट गुरु ग्रंथ साहिब एटा जाच सब देवनागरी स्क्रिप्ट जोटा कि इज एन अबुगिडा रिटिंग सिस्टम इन इंडिया एंड नेपाल इट इज रिटेन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तापर मोदी स्क्रिप्ट है आमर पर्टिकुलरली केबे हेतला मराठी माने बाहर करथले एटा मन रखियो पढ़ीला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मोदी स्क्रिप्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डायनेस्टी मराठी ओके मराठी लैंग्वेज लिखा ही। तापर उर्दू स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट एटा भी राइट टू लेफ्ट। तो या अलग कौन स्क्रिप्ट कहुची ना सहमुखी स्क्रिप्ट एंड इट इज यूज फॉर राइटिंग अदर इंडो आर्यन लैंग्वेज ऑफ नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट लाइक पंजाबी सराइकी अजुअल। थस वी सी दैट इंडियन लिटरेरी स्टाइल्स हैव अंडरगॉन कंसीडरेबल चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया टू वेरियस कंट्रीज हैज इन्फ्लुएंस्ड देयर स्क्रिप्चर स्क्रिप्ट एल्सो स्पेशली श्रीलंका तिब्बत एंड साउथ ईस्ट एशिया। द एडवेंट ऑफ द इस्लाम इन इंडिया एल्सो कॉज्ड ए चेंज इन द इंडियन राइटिंग ट्रेडिशन। हाउएवर इट रिमेन टू बी सीन हाउ द स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज ऑफ द कंट्री सर्वाइव एंड इवॉल्व इन द एरिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन वेयर इंग्लिश हैज बिकेम ए लैंग्वेज ऑफ फ्रांका कॉमन लैंग्वेज। फर्स्ट क्वेश्चन टिके जस्ट रेस्ट नियो मु तुमको तापरे कहूँ तुमको मु क्वेश्चन पचार गोटे मिनिट खाली रेस्ट 30 सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। देखो क्लासिकल लैंग्वेज ओके क्लासिकल लैंग्वेज कितना अच्छी छोटा अच्छी तो छोटा भितर जो लाटेस्ट से आंसर कौन हम आंसर हम ओडिया। तापर सेकेंड क्वेश्चन consider the following languages gujarati kannada telugu which of all of the above have been declared as classical languages by the government। classical language kannada telugu telugu achi ki check karo mone pakao check to karibo ni jaha mone rahila to edi choose karo answer choose karo option d bhi achi all bhi achi au 2 3 bhi achi sabu achi। देखो आम जो ओडिया पार्ट देखे ये ओडिया हे 2014
मालायलम 2013 देइछि, तापरे 2008 रे दीटा हिछि तेलुगु कन्नड। तनु आंसर हबो कोन, तमिल थोड फास्ट हेतला 2004 रे, तनु तेलुगु कन्नड हैला, गुजराती त नै हो। त आंसर हला फास्ट, एटा कोन प्रीवियसली आस्क क्वेश्चन 2014 रे पडथिला, 15 रे पडथिला। तापरे देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन अक्रॉस इंडिया बिलोंग टू, इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आंसर कौन हो? इंडो आर्यन ग्रुप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, संस्कृत लैंग्वेज बिलोंग टू द द्रविडियन ग्रुप, इट इज अमंग द 22nd लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन रे एटा मेंशन अछि कि नहीं 22nd लैंग्वेज भितरे, संस्कृत लैंग्वेज द्रविडियन ग्रुप ने ना इंडो आर्यन ग्रुप रे, आंसर हबो कौन फास्ट तो कौन भूल, तेणु सेकेंड ठीक अच्छे कि नहीं कह, तो आम देखा सेकेंड ठीक अच्छे कि ना, तो आंसर दियो तुम्हें। तो सेकेंडटा जब आम देखा कौन कही सेकेंड स्टेटमेंट ना, 22 लांगुएज भितर जो अच्छी आमर से संस्कृत भी मेनसन हो अच्छी, तो 22 भितर ये देख संस्कृत अच्छी कि संस्कृत अच्छी, ओके तेणु दुटा जाक इट इज एमंग, हाँ ठीक अच्छे, दि ओनली टू इज करेक्ट। Which of the following is the most ancient language of India? Most ancient language. Pratham Gadhi, Prakrit, Pali, Sanskrit. Most ancient language. Mane sabutu ancient jota. Sanskrit. Na nahi. Tapre dekho 4 number. Consider the following. Prakrit has been derived out of Pali. Pali language is the older than Sanskrit. So Prakrit has been derived out of Pali. प्राकृत पाली रू डिराइव्ड है छि कि पाली लैंग्वेज इज ओल्डर देन संस्कृत कि, एटा तो भूल, तो प्राकृत हैज बीन डिराइव्ड आउट ऑफ पाली कि नहीं देखिबा, तो प्राकृत पाकु जीवा आमे, तो प्राकृत पाकु जदि आमे जीवा देखो प्राकृत प्राकृत कॉमन पीपल देखो पाली इट वाज वाइडली स्पोकन इन मगध, तो प्राकृत इनक्लूड, ओके तो जदि देखिबा it believed that Buddha himself did not speak in Pali but gave his preaching in Ardha Magadhi language. So Pali basically our 5th to 1st century ru start hetla. Pali language. So Prakrit language kebe start hetla na 600 BC tanu koda ago Prakrit ago hobo. To answer kon hobo? Answer hobo पाली लैंग्वेज इज ऑल्टर दैन संस्कृत, एटा भूल है तेणु दुटा जाक भूल हे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फाइंड इट्स ओरिजिन फ्रॉम प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज पाली पाँच संस्कृत पाऊ नहीं, ना नहीं। तापरे बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट वे आर मेनली रिटेन इन पाली प्राकृत अर्धमगधी संस्कृत, बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट पाली प्राकृत अर्धमगधी ना अर्धमगधी अर्धमगधी एवं पढ़ले पा। तापरे देख कनसीडर द फलोईंग स्टेटमेंट, तेलुगु तमिल कन्नड मलयालम कोंकणी, व्हिच ऑफ द फलोईंग बिलोंग टू द्राविडियन ग्रुप, तो द्राविडियन ग्रुप भितर को कोडा जाउच, सबु तो केबे हेबोनी गोटे एलिमिनेट करिया पे पडियो एटलीस्ट, तेणु कोंकणी तो एमे देखिबा एबे कोंकणी कोठी अछि, सिनो तिबेतियन ग्रुप कौन अच्छी ये पार्ट गुड़ा अच्छी अच्छी कि किसी नाईपर आम देखा आम कौ जिनसा खोजुचे ना आम द्राविडियन ग्रुप, तो द्राविडियन ग्रुप रे तेलुगु निहाती अच्छी, तमिल कन्नड मलयालम कोंकणीटा कौटी अच्छी आमको देखा पड़ो, तो कोंकणी जी आम देखा ओके मु आंसर देखी कहू छी एटा खोजले लेट हबो, तो कंपनी हला 7 नंबर,
डी वन टू थ्री फोर कंकनीटा एक्सक्लूड तो कंकनीटा इंडो आरियन बोधे चेक करके मतलब कह कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तमिल इज न्यूमेरिकली लार्जेस्ट ऑल द्राविडियन लैंग्वेज ठीक अच्छे ना न्यूमेरिकली लार्जेस्ट की तेलुगु इज द स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट लैंग्वेज ऑफ द्राविडियन ग्रुप एटा भी भूल तेणु दुटा जाक भूल तो ये जो देख तुम आम जब भेरीफाई करवा तमिल आउ तेलुगु विषय कौन लिखाई तुम मन पकाओ देखो तेलुगु इज द न्यूमेरिकली लार्जेस्ट ऑल द्राविडियन लैंग्वेज तमिल इज द ओल्डेस्ट एंड प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज तो मलयालम इज द स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट ऑफ द द्राविडियन ग्रुप व्हिच ऑफ द व्हिच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज बिलोंगिंग टू द्राविडियन ग्रुप ये देख लें कौन तमिल ना नहीं नो नंबर ओल्डेस्ट एंड प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज तापरे व्हाट इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नेशनल लैंग्वेज इंडिया की आंसर दल केते मन रख ल देखिबा आंसर हबो नन ऑफ द अबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट लिस्टेड इन द एथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश हिंदी संस्कृत नन ऑफ द अबव हिंदी संस्कृत तो अच्छी ना नहीं तो इंग्लिश अच्छी कि नहीं इंग्लिश अच्छी कि नहीं कह तुम आंसर ठीक चेक करो तो या को हम डिस्कस भी करथले तेनु एट लेखो देखो हमर जे देखिवा 22 एट देखो इंग्लिश इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ 22 शेड्यूल ऑफ लैंग्वेज ओके 22 शेड्यूल लैंग्वेज हमर शेड्यूल लैंग्वेज केते 22 तापरे 92nd अमेंडमेंट एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज एडेड इन एथ शेड्यूल एट शेड्यूल ले कहाँ को लास्ट डेट माने अच्छी डाली ची 2003 रे आंसर कौन हम बड़ो मैथिली डोगरी सांताली ओके सांताली तो कंसीडर द फॉलोइंग तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ओडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर एज क्लासिकल लैंग्वेज तमिल अच्छी तेलुगु अच्छी कन्नड़ अच्छी मलयालम अच्छी ओडिया अच्छी सब अच्छी तेणु सी आंसर हम सी तो तुमको क्वेश्चन लिखिया पे देबी तो फास्ट क्वेश्चन लिखिबो दीटा क्वेश्चन करिबो डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडो आर्यन ग्रुप एंड द्राविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज ओके तापरे पांच नंबर संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल इंडिया लैंग्वेज क्रिटिकली एग्जामिन जो मैंने वीडियो देखुच समस्ते लिखिया ट्राई करिवो यदि तुम्हें लिखुन मु फास्ट जमती कहली तुम जब लिखुन बहुत सारा जिनस मिस करुच विदाउट एनी राइटिंग यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड ओके तो आज ये तो आम 48 मिनिट रे कंप्लीट करे तो मे बी आउ गोटे चैप्टर कंप्लीट करते था बट आम ट्राई करवा आम तो टाइम अच्छे शेड्यूल फ्लेक्सीबल अच्छी जो मैंने ग्रुप अच से जनरल साइंस क्विज भी तुम अटेम्प्ट कर तो आमर प्राय बहुत सारा हो गला तीन वीक रे कंप्लीट हो गला तीन टा वीक गला जनरल साइंस रो तापरे माने मंडे टू फ्राइडे एटलीस्ट समर साइंस क्विज तो डेली चली साइंस क्विज सहित आर्ट एंड कल्चर जो कंप्लीट हो जो शेड्यूल अच्छी मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो तो मॉडर्न इंडिया स्टार्ट आम स्टार्ट करवा एंशिएंट आउ मेडिवल इंडिया तापरे आम डिस्कस करवा एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट कले आम फास्ट फेज कोर्स सर फास्ट फेज कोर्स सर तापर तुम जो से भितर मत लगुच तुम पलैस नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन वन्स पलैस आमको रिभाइज करने पड़ो तो रिभाइज में से टाइप रो जिनस गुड़ा पढ़ी थे आगुरी से जिनस गुड़ा भी पढ़ा से जिनस गुड़ा ही पढ़ा बट ताको बहुत कौन करवा आम कंप्रेहेनसीव वे पढ़ी बट ताको रिभाइज करवा तेनाली रिभाइज कले आम वन कैप्सूल फर्म पढ़ा माइंड में जमी रही आम अर्गानाइज रिअर्गानाइज फर्म पढ़ा ओके तो आज एति थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय बाय टेक केयर एंड मोस्ट राइट द आंसर।